फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो है गोदरेज कंज्यूमर शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। एफएमसीजी सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और जिसने अभी पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा रैली दिया था। 920 925 के लेवल तक ये स्टॉक गया था। आज फिर से एक बार ये स्टॉक करेक्शन में आया है 870 के लेवल तक, और इसीलिए आज के दिन पे फिर से एक बार एक अच्छा डिप मिला है। जिन इन्वेस्टर्स ने अब तक गोदरेज कंज्यूमर में इन्वेस्ट नहीं किया है, बढ़िया मौका है गोदरेज कंज्यूमर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एफएमसी सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा फोकस में रहेगा। और ऐसे स्टॉक्स पर भी आपको फोकस करना है क्योंकि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, तो आप ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिन्होंने 1 साल तक कंसोलिडेट किया है, अंडर परफॉर्म किया है। और ऐसे दो स्टॉक्स आज के दिन पे बढ़िया लाया हूँ। पहला है रैमको सीमेंट, सीमेंट सेक्टर से, एफएमसी सेक्टर से, गोदरेज कंज्यूमर, क्योंकि एक अच्छा डिप मिला है और काफी समय से इस स्टॉक ने भी अंडर परफॉर्म किया है। अगर इस साल का हाई देखे इसका, तो करीबन 1300 रुपए के आसपास इस साल का हाई है, और वहां से ये स्टॉक नीचे की तरफ करेक्ट होके करीबन 700 रुपए के लेवल तक आया था, और वहां से आज ये फिर से आपको 870 880 के लेवल से मिल रहा है। तो बेहतरीन लेवल्स है। शॉर्ट टर्म टारगेट 950 का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 1200 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर में। आने वाले दिनों में बेहतरीन आपको ये स्टॉक रिटर्न देगा। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक और भी ले लेते हैं। आज हमने देखा मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल होते हुए निफ्टी में। निफ्टी पिछले 5 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रही थी, एक रेंज में फंसी हुई थी, कंसोलिडेशन मोड में था, 18400 से लेकर 18500 के बीच में। कल हमने 18350 का बॉटम देखा, वहां से एक शार्प रिकवरी आई 18500 तक, 18500 पे हमने क्लोजिंग देखा। आज हमने सुबह ओपनिंग में ही अच्छा लेवल पे ओपन किया था, 18525 के लेवल पे बॉटम किया हमने, 18480 के लेवल पे स्पॉट में। वहां से एक फिर से रिवर्सल बना, पूरे दिन हमने कंसोलिडेट किया, लेकिन सेकेंड हाफ में हमने 18550 को क्रॉस किया स्पॉट लेवल्स पे, और वहां से फिर हमने 18625 के लेवल्स भी दिखाए और क्लोजिंग मिला हमें 18600 का। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे अभी भी है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 43,000 का 43,500 एक स्पॉट लेवल जो क्रूशियल था, उसको ब्रेकआउट किया निफ्टी ने, और जब से उसे ब्रेकआउट किया है हर दिन हमें न्यू हाई पे क्लोजिंग मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी का क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये जो रैली बैंक निफ्टी में बनी है, टिल द टाइम इट डजंट ब्रेक 43,400 और 43,500 टू बी प्रिसाइज, जब तक ये स्टॉक, जब तक ये इंडेक्स 43,500 का लेवल स्पॉट लेवल पे नहीं तोड़ती है, ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का वो 45,000 के लेवल तक भी जाते हुए देख सकते हैं हम। और निफ्टी की बात करें, जहां तक निफ्टी ने जिस हिसाब से आज रिवर्सल दिया है, क्योंकि आज रात को यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आएगा और जो एक्सपेक्टेड है 7.7 की जगह पे 7.2 7.3 के आसपास आने का, और अगर इसी लेवल्स पे आता है तो इंडिकेशन कल ही आ गए थे यूएस मार्केट में, कल हमने 500 पॉइंट की रैली देखी, कल हमारी भी रिकवरी अच्छी हुई, आज भी हमने अच्छा रिकवरी की और अच्छे लेवल्स पे हमें क्लोजिंग मिला है। तो प्री अटेम्प्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं यूएस डेटा को, लेकिन अगर 7.2 7.3 भी आता है तो आज भी एक अच्छी रैली बनेगी यूएस मार्केट में, और वो रैली कंटिन्यू होगा हमारी मार्केट में। और अब निफ्टी का टारगेट इस समय शॉर्ट टर्म होना चाहिए 18675 18725, पहले ये दो लेवल क्रॉस हो जाए उसके बाद आगे के लेवल देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि 18675 18725 इसी हफ्ते हमें देखने मिल जाएंगे, और उसके बाद अगर वो लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे मिलते हैं तो फिर से हम अपने ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे जो होगा 18850 के आसपास। वीडियो की शुरुआत में दो सर्विसेज का और भी देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में 45 मिनट्स का सेशन। जितने भी डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर दीजिए। इस सैटरडे मैं नहीं कर पाया था यूट्यूब लाइव ड्यू टू सम ट्रेनिंग, ड्यू टू सम फैमिली फंक्शन रीजंस, लेकिन जैसे मैंने रैमको सीमेंट की वीडियो में कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस सैटरडे से रेगुलर आपको यूट्यूब लाइव सेशन मिलना चालू हो जाएंगे। दूसरी बात, एडवाइजरी प्रोडक्ट दो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, और साथ ही में हमारे नॉन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को जो सिर्फ एडवाइजरी प्रोडक्ट के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ। उसमें आपको 30 डेज 90 डेज दो तरीके के पैकेजेस हैं। पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस आप काम कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट होगा, बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही में लाइव मार्केट में लेवल्स आपको बताए जाएंगे जिससे आपका डेटा, और आपको एक डेटा मिल जाए जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कंटिन्यू कर पाए। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जैसे मैंने कहा, मार्केट का व्यू आपको बता दिया, एडवाइजरी प्रोडक्ट बता दिया, यूट्यूब लाइव बता दिया, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो है गोदरेज कंज्यूमर का एक बेहतरीन स्टॉक, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और आने वाले दिनों में गोदरेज कंज्यूमर एक बेहतरीन पिक होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं अगर सिर्फ आपका एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो भी काफी बढ़िया स्टॉक है।
और आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। इसका जो लेवल इस समय आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत ही बढ़िया लेवल है। गोदरेज कंज्यूमर का रिसेंटली नवंबर मंथ का जो टारगेट आया था, नवंबर मंथ में जो टारगेट आया था, बाइंग टारगेट था शेयर कांड की तरफ से, वो है 1000 रुपीज का। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो नवंबर मंथ में टारगेट आया था वो था 1005 का, और साथ ही में अगर नेट सेल्स की बात करें रिसेंटली वो था करीबन 7.5% दिया ज्यादा ईयर ऑन ईयर। सेप्टेम्बर मंथ का जो नेट सेल्स आया था जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट थे वो था करीबन 3390 करोड़ के आसपास नेट सेल्स था, पिछले टाइम से 7.5% ज्यादा। प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले साल से कम था, क्योंकि जियो पोलिटिकल रीजन, हाई क्रूड प्राइसेस, सभी कंपनीज के प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया था इसका, और इसी कंपनी के प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आया है। पिछले टाइम से 25% कम था प्रॉफिट, पिछले टाइम था 480 करोड़, इस बार है 360 करोड़। ईबीटा 14.5% कम था, पिछले साल था 682 करोड़ और इस बार आया है 582 करोड़ के आसपास। गोदरेज कंज्यूमर के ईपीएस की बात करें तो पिछले टाइम था 4.68, इस बार था 3.51 के आसपास। रेवेन्यू जैसे मैंने कहा पिछले सितंबर में 3180 करोड़, इस बार 3430 करोड़। पिछले टाइम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखे, ऑपरेटिंग मार्जिन देखे तो करीबन 21% के थे, इस बार सिर्फ 16% के थे, यानी 5% का मार्जिन क्लियरली कम हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले टाइम था 660 करोड़ के आसपास, इस बार 540 करोड़ के आसपास, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, साथ ही में मार्जिन भी कम हुए, तो इन दोनों चीज का इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने मिला। जो था पिछले साल 605 करोड़, लेकिन इस बार आया 457 करोड़। पिछले साल नेट प्रॉफिट 480 करोड़ के आसपास था, इस बार आया 360 करोड़ के आसपास। स्पेसिफिकली एक महीने का चार्ट पैटर्न देखे तो बॉटम था करीबन 798 का, हाईएस्ट पॉइंट था 883 का, और अगर 3 महीने का चार्ट पैटर्न देखे तो हाईएस्ट पॉइंट था 950 का, लोएस्ट पॉइंट था 883 का। तो यही आपका शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए, अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 900 से 950 के बीच का शॉर्ट टर्म के लिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करते तो 1100 से 1200 के लेवल आप लेके चल सकते हैं फॉर गोदरेज कंज्यूमर। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए तो पूरे महीने में 12 लाख का एवरेज वॉल्यूम है, जिसमें से 6 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 63% है प्रमोटर्स के पास, और उसमें से उसके बाद अगर हम देखें तो 24% है एफआईआर के पास, यानी टॉप टू अगर प्रमोटर होल्डिंग देख शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग है 63%, एफआईआर का होल्डिंग है 24%, डीआईएस का 6.4%। तो यहाँ पे मेजोरिटी अगर हम देखें तो प्रमोटर और एफआईआर का ही होल्डिंग दिख रहा है हमें, और ये अच्छी बात है क्योंकि जो कोई भी स्टॉक में एफआईआर का होल्डिंग सेकेंड हाइएस्ट रहता है, यानी क्लियर कट वो उसके उस स्टॉक के फंडामेंटल्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। 5 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया था, 4 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया था नवंबर मंथ में, डिफरेंस बाइंग साइड में आया, क्वांटिटी है 58,246 स्टॉक्स का। तो 58,246 स्टॉक्स यहाँ पे बाय हुए हैं बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी इन द मंथ ऑफ नवंबर। आरएसआई इस समय 67 है, एमएफआई 55 है, 59 है, तो दोनों ही इस समय न्यूट्रल जोन पे इस समय आपको मिल रहे हैं। पिछले 6 महीने में 16.5% का रिटर्न, 1 महीने में 7% का रिटर्न, और 1 हफ्ते में 2.5% का रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बढ़िया स्टॉक है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अब इस ऑल टाइम हाई मार्केट पे ऐसे स्टॉक्स को आपको फोकस में रखना है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसने काफी समय से अंडर परफॉर्म किया है, और जो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में फोकस में रहेंगे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहा है, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।